जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है और बड़ी खबर भी है सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जिस ओआरओपी के एरियर का कई डिफेंस पेंशनर्स कई समय से इंतजार कर रहे थे, तो आज ओआरओपी का एरियर उसका इंस्टॉलमेंट एलिजिबल डिफेंस पेंशनर्स के खाते में आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को कुछ मेरी पिछली वीडियो से जोड़कर चलूंगा। सबसे पहले जोड़कर चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है पीसीडीए की वेबसाइट भी खुल गई है तकरीबन एक महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, जब पीसीडीए की वेबसाइट बंद हुई थी तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने यह कहा था कि 4-5 दिन हो चुके हैं पीसीडीए की वेबसाइट को बंद हुए, हो सकता है कि यह जो है इसलिए बंद पड़ी है क्योंकि ओआरओपी का जो एरियर है उसको जो है ओआरओपी का रिवीजन है, उसको रिवाइज किया जाना है पीसीडीए स्पर्स की तरफ से, इसलिए जो है सारा का सारा फोकस जो है स्पर्स की टीम का, पीसीडीए की टीम का जो है अभी डिफेंस पेंशनर्स के ओआरओपी के रिवीजन के ऊपर है। तो हो सकता है जैसा ही यह काम पूरा होता है तो पीसीडीए की वेबसाइट खुल जाए। दोस्तों यह केवल मेरा एक विश्लेषण था, लेकिन आज जो है मैं यह पूरी तरीके से तकरीबन कह सकता हूं क्योंकि आज ही जो है पीसीडी की वेबसाइट खुली है एक महीने में, और आज ही से जो है डिफेंस पेंशनर्स के ओआरओपी का एरियर उनके खाते में पड़ना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस चीज को अलग नहीं समझूंगा, चाहे बातें कई प्रकार की होती रही हो कि जो है इस पर कुछ टेक्निकल मेंटेनेंस चल रहा है या फिर इसमें अपग्रेडेशन हो रहा है, उस पर भी मैं आगे आपको इस पर बताऊंगा कि इस पर कुछ चेंजमेंट हुए तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों जहां तक मैंने अंदाजा लगाया था, जो मैंने विश्लेषण किया था उस वीडियो में, हालांकि जो है कुछ दर्शकों की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आए थे, लेकिन मैं उसको माइंड नहीं करता हूं। और दूसरी चीज दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी और आप देख लेना मेरी पिछली 2-3 वीडियो, तो मैंने उनमें साफ कहा था कि 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो है ओआरओपी का एरियर जो है एलिजिबल डिफेंस पेंशनर्स के खाते में आ जाना चाहिए। और मैंने 21 बेस पे कहा था, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का जो ट्वीट था 15 फरवरी के बाद, जिसमें बताया गया था कि 15 फरवरी के बाद जो है हम ओआरओपी के एरियर का डिसबर्समेंट शुरू कर देंगे। हालांकि दोस्तों कमेंट हमें हर प्रकार के आते रहते हैं कि तुम ऐसी बातें करते हो, अच्छे कमेंट भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन दोस्तों सोच अपनी अपनी होती है। कई चीजें हम जो हैं, हम बेसिकली हर चीजें ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिक न्यूज के आधार पर, कोई खबरों के आधार पर ही कहते हैं, या फिर कोई भी विश्लेषण करता हूं तो ऑथेंटिक चीजों के बेस पर ही करता हूं। और आज जो है मेरी जो 3-4 वीडियो मैंने इस प्रकार की बनाई हुई है, तो आपकी समझ में आज ये आ रहा होगा कि अगर ये चीजें हो रही हैं जो हमने अंदाजा लगाया था अपनी वीडियो में, जो विश्लेषण किया था, आप आज जो है अगर उनको देखो तो आप इन चीज को सही पाएंगे। तो पहले मैं आपको एक बार पहले ओआरओपी के एरियर के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूं। आप ये देख रहे होंगे, मुझे जो है सुबह से कई डिफेंस पेंशनर्स के कॉल भी आ चुके हैं, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी जो है शेयर किए हैं कि उनके खाते में जो है कुछ एरियर आया है। इसी प्रकार से किसी ने, डिफेंस पेंशनर्स ने मुझको यह भी भेजा है, आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, यह 18 फरवरी यानी कि आज ही का है, 24,269 रुपए जो है इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है थ्रू नेफ्ट विद यूटीआर, इतना बाय प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन एसबीआई। जी हाँ दोस्तों, इनका जो है 24,269 रुपए, आप समझ सकते हैं कि यह जो है 4 इंस्टॉलमेंट में पे होना है, तो खुद लगा सकते हैं कि 24,269 के हिसाब से हर छमाही में इनके जो है एरियर आता रहेगा और तकरीबन जो है 1 लाख तक का इनका एरियर है। इसी प्रकार से सबका इतना नहीं आएगा दोस्तों, किसी का, कईयों के मैसेज आए, उनको 8,000 कुछ आए हैं, किसी ने बताया हमें कि 12,000 कुछ आए हैं, किसी ने बताया कि 18,000 कुछ आए हैं, तो सबका ऐसा बराबर नहीं है। उनके रैंक के हिसाब से, उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, जहां पर भी जो है ओआरओपी रिवीजन में उनका पेंशन फिक्स हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनका एरियर बनेगा। और जो है जो फैमिली पेंशनर्स हैं, अवार्ड विजेता पेंशनर हैं, उनको तो एक मुश्त यह जारी किया जाएगा, लेकिन जो अदर पेंशनर्स हैं उनको जो है 4 इंस्टॉलमेंट में, इस प्रकार से उनको जो है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उनके खाते में हर छमाही में आएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, यदि किसी डिफेंस पेंशनर्स के खाते में अभी जो है ओआरओपी का एरियर नहीं आया है और वो एलिजिबल हैं इस चीज के, तो कृपया करके थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप जो है लगातार ऐसे कमेंट मत करना कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो आया ही नहीं है। कृपया करके जो है 15 मार्च तक इंतजार कीजिए। वैसे मैं समझता हूं कि 15 मार्च नहीं, बहुत जल्दी जो है अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और काम भी पूरा हो चुका है, इसीलिए पीसीडीए की वेबसाइट भी खुली है। 15 मार्च तो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है 2-4-5-7-10 दिन के अंदर या आज जो है, जब भी जो है आप लोगों का एरियर आपके खाते में
आ जाए। इसलिए दोस्तों अगर किसी का नहीं भी आया एलिजिबल है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगली चीज दोस्तों मैं चलता हूं आपको पीसीडीए की वेबसाइट पर। जी हाँ, आप ये देख रहे होंगे कि पीसीडीए की वेबसाइट यह जो है खुल चुकी है। अब इसमें नई चीजें दोस्तों क्या देखने को मिल रही है, तो मैंने जो है सारा इसको एनालाइज किया, तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो कुछ अपग्रेडेशन होना था या कुछ पेज चेंज होना था, तो ऐसी कुछ भी चीज यहां पर नजर नहीं आ रही है। मैंने इसके जो है मेनूज भी देखे हैं कि कुछ नया तो इसमें अपग्रेड नहीं हुआ है, तो दोस्तों ऐसी चीजें मुझे कोई भी यहां पर देखने को नहीं मिली है। हाँ, अगर जो है इसके ऑर्डर सर्कुलर में जाएंगे, हम ओआरओपी के लिए देखने जाते हैं यहाँ पर, इसे मैंने क्लिक कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों सर्कुलर नंबर 555 ओआरओपी के ये सर्कुलर हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है 666 नंबर जो कि पीसीडीए का सर्कुलर था उस समय जो है पब्लिश किया गया था सीजीडीए के द्वारा, जब जो है पीसीडीए की साइट बंद थी, लेकिन जो है आप खुल चुकी है। हालांकि इसमें अभी 666 नंबर पीसीडीए का सर्कुलर यहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीजीडी ने ऑलरेडी जो है इसको पब्लिश कर दिया है। अगली चीज दोस्तों आप इसमें देखेंगे, इसमें आजकल सबसे ध्यान में रखने वाली बात जो मेन है वो है स्पर्स माइग्रेटेड पीपीओ के लिए। आप यहां पर जो है देख सकते हैं, यहां पर नो योर स्पर्स पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, जिन डिफेंस पेंशनर्स ने भी नहीं किया है, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है किस प्रकार से करना है, आप इस चीज को कर लीजिए, अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है या ड्यू दिखा रहा है, तो कृपया समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि आपकी पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट के कारण किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हो। और दोस्तों यदि आपका भी जो है एरियर आ चुका हो तो आप भी जो है कमेंट में बता सकते हैं कि कितना आया है, कितना आपने कैलकुलेट किया था और किस हिसाब से आपका एरियर आया है। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देता हूं, जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।